हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में एक पति की शक करने की आदत से तंग आकर एक पत्नी ने 1,00,000 रुपए की सुपारी देकर पति के शक और पति दोनों का खात्मा करा दिया। पत्नी ने हत्यारों को इस बात की हिदायत भी दी थी कि उसके पति की मौत हादसा लगनी चाहिए, ना कि हत्या। लिहाजा हत्यारों ने बड़ी सफाई से ट्रक से कुचलवा कर कर दी पति की हत्या। लेकिन 15 दिन बाद पत्नी का राज आ गया पुलिस के सामने और पुलिस ने हत्यारिन पत्नी को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी के एटा जिले के मलावन थाना क्षेत्र में संदेरी गांव के पास हाईवे पर 15 दिन पहले आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र के रहने वाले जयप्रकाश की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। जयप्रकाश की मौत के बाद उनकी पत्नी रेनु और अन्य परिजनों ने आगरा में रोड जाम कर जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से रेनु को समझाया था, तब जाकर कहीं रेनु शांत हुई थी। रेनु की जिद पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की, तो जो तथ्य पुलिस के सामने आए वो बेहद ही हैरान कर देने वाले थे। पुलिस को सर्विलांस की मदद से पता चला कि हादसा नहीं, ये तो हत्या है। और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जयप्रकाश की पत्नी रेनु ने ही सुपारी देकर कराई थी। पुलिस ने पत्नी रेनु को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस ने हत्या करने वाले शैलेंद्र उर्फ शैलेश और विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वह इनके दो साथी नीशू और मनोज फरार हैं। ये दोनों मैनपुरी के रहने वाले हैं। पूछताछ में रेनु ने पुलिस को बताया कि वह आगरा स्थित कलेक्ट्रेट पर एक अधिवक्ता के यहाँ मुंशी है। देर सवेर घर पहुंचने पर पति जयप्रकाश शक करता था, इसी वजह से आए दिन उनके बीच झगड़ा होता रहता था। पति के तानों से तंग आकर रेनु ने पति जयप्रकाश को रास्ते से हटाने के लिए नीशू से संपर्क किया, जिसने विजय सिंह से उसकी मुलाकात कराई और 1,00,000 रुपए में हत्या का सौदा तय हो गया। योजना के तहत विजय सिंह और उसके साथी जयप्रकाश को नौकरी दिलाने के बहाने कार से मैनपुरी लाए, रास्ते में शराब पिलाई और सिंथरी के पास धक्का देकर जयप्रकाश को सड़क पर गिरा दिया। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने जयप्रकाश को बुरी तरह से कुचल दिया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि पति जयप्रकाश का शक गलत नहीं था, रेनु के एक सिपाही के साथ अवैध संबंध थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एटा, यूनिवर्सिटी। रेनु, विजय सिंह और शैलेंद्र को उनके मकानों के पास